अगर आप रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर रोज़ एक नई वीडियो और एक नई आइडिया शेयर करूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई, आप जब भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करोगे तो पहले सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। सेफ्टी को आपको पहले ध्यान में रखना है, सेफ्टी को ध्यान में रख कर ही काम करोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डीसी बल्ब है, ये डीसी तो है पर ये नॉन आइसोलेटेड डीसी है। इसके हर एक जगह पे, ठीक है, हर एक जगह पे वोल्टेज रहता है, एसी वोल्टेज रहता है। अगर आप किसी भी तरह से इसमें हाथ लगाओगे तो आपको बहुत ज़ोर का झटका लग जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक 9 वॉट LED बल्ब का सर्किट है, ठीक है, आप देख लो, ठीक है। ये मेरा एक 9 वॉट LED बल्ब का सर्किट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये 9 वॉट LED बल्ब का सर्किट है। और मैं इसको सीरीज में, मैंने दोनों LED बल्ब को सीरीज में कर लिया है। ये दोनों ही 10-10 वाट के हैं। यहाँ पर 9 वोल्ट 1 वाट का SMD LED लगा हुआ है, तो मैंने इनको सीरीज में करके 20 वाट का बना लिया है। अब देखते हैं क्या ये 9 वोल्ट का ड्राइवर ये 20 वाट का LED बल्ब को ड्राइव कर सकता है या नहीं। ये रहा मेरा मेन सप्लाई का वायर, मैं जूम कम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक जम्पर दिख रहा है, जम्पर दिख रहा होगा, ये किस लिए है आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको LED बल्ब ऑन करके दिखाता हूँ, आप देखो ये चलता है कि नहीं, फिर आपको मैं चला के दिखाऊंगा। देखो भाई, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सी ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग कर रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको, मैंने लाइन को खोल लिया है, मेन लाइन को। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप जब भी काम करोगे इस तरह के बल्ब में, तो आपका जो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है, इसको आपको इस तरह से कर लेना है। अगर किसी भी तरह से इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, वरना आपको बहुत ज़ोर का झटका लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 20 वाट का LED बल्ब जलाना चाहते हो तो आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। पहले तो आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास जो बल्ब था उसमें 47 UF और 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ था। 100 वोल्ट एक 9 वाट LED बल्ब को ड्राइव करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 9 × 10 अगर मैं करूँगा तो 90 वोल्ट हो जाता है, तो उसके लिए 100 वोल्ट ठीक है। पर जब भी मैं दोनों सर्किट को जोड़ता हूँ तो इसका वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम में ये जो कैपेसिटर है 100 वोल्ट का, ये कैपेसिटर फुल के फट जा सकता है। तो इसलिए आपको 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लेना है। अब मेरे पास 250 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं है, 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है। इसका जो वोल्टेज है मैक्सिमम, मैंने मल्टीमीटर से चेक नहीं किया है, पर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से आपको ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहले ही आपको दिखाया था, एक जम्पर लगा रखा है, ठीक है, ये जम्पर, इस जम्पर को मैंने IC का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे लगाया है, ठीक है। अब मैं इस जम्पर को लगा के आपको दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको IC का जो इंडक्टर है, ये जो है इंडक्टर ट्रांसफार्मर है, इसको ट्रैक करना है, इसकी सर्किट को ट्रैक करना है, और आपको देखना है ये इसका आउटपुट कहाँ से निकलता है, वहाँ का रजिस्टर पर ही आपको जम्पर लगाना होगा। ये बहुत ही ईजी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, पर आपको ट्रैकिंग आना चाहिए। तो मैं आपको जम्पर करके दिखाता हूँ, याद रखना
जो सर्किट पे है उसी पर ही आपको जंपर करना है, दूसरे वाला सर्किट पे आपको जंपर नहीं करना है। अगर आप जंपर करोगे तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए मैंने जंपर कर लिया है। मैं जूम करता हूँ, थोड़ी सी मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ इसका। ठीक है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, फिर अपना जो कैमरा का लाइट है वो ऑन करता हूँ। अब आप देखो, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये धमाके धुआंदार जल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा फैन ऑफ करके ले लेता हूँ। आप देखो ये इसलिए ब्लिंकिंग कर रहा है क्योंकि ये कैमरा पे दिख रहा है, पर वास्तव में ये कोई ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से जंपर करके ये कर सकते हो। ठीक है, आप देख लो मेरा जो जंपर है ये कैसे मैंने किया है। मैं ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, याद रखना आपको ज़्यादा जो रजिस्टर, ज़्यादा वैल्यू का जो रजिस्टर है उसमें ही जंपर कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें को रिपेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आपको दिखाऊंगा इसी चैनल पर।